स्वागत करती हूं आपका केकेआर न्यूज में। राजधानी भोपाल के मयूर पार्क में जाति प्रमाण पत्र को लेकर बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जाति प्रमाण पत्र अधिकार मंच के महासचिव राहुल जी ने अपने साथियों के साथ बैठक का आयोजन किया। भोपाल से सौ सदीकी की रिपोर्ट। शीला दीक्षित जी के बेटे जी थे हमारे संजय दीक्षित, वो भी थे साथ में। हाँ संदीप, उनका मोहिंती साहब जब दिल्ली जा रहे थे तो उनका फ़ोन भी आया कि कहने लगे आपका मुद्दा हो गया, बोले वो हो जाएगा, बड़ा जेनाइन मुद्दा है और वो इजीली हो जाएगा। बाद में मांग कैसे सकते हैं मध्य प्रदेश आस्ती मैं राहुल यादव, वार्ड क्रमांक 28 से। क्या है मामला सर जाति प्रमाण को लेकर? हम लोग जाति प्रमाण पत्र अधिकार मंच द्वारा कई वर्षों से लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोगों ने सरकार से मांग की थी, जब कांग्रेस सरकार थी, कि जो 1950 का रिकॉर्ड SC ST वालों को मांगा जा रहा है, माना कि हमारे माता पिता माइग्रेट हो सकते हैं, वो बाहर के राज्यों से मध्य प्रदेश में आए होंगे, लेकिन जो बच्चा मध्य प्रदेश में जन्मा है, शिक्षित हुआ है, उसका अधिकार मध्य प्रदेश में जाति प्रमाण पत्र का है क्या? नहीं। हमने सरकार से सवाल किया, लेकिन सरकार SC ST वालों को अनदेखा करती है, कहीं ना कहीं उन्हें पिछड़ने का काम सरकार कर रही है। फिर से हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया कि आप वोट की राजनीति तो SC ST वाले सब आपको याद रहते हैं, लेकिन जब उनका हक अधिकार की बात होती है SC ST वाले आपसे दूर हो जाते हैं। तो हमारी मांग चल रही है जाति प्रमाण पत्र अधिकार मंच के द्वारा कि ये जो मध्य प्रदेश में जन्मा है, शिक्षित हुआ है, मूल निवासी है, उसको जाति प्रमाण पत्र मिलना चाहिए, उसका हक अधिकार नहीं छीना जाए सरकार द्वारा। जो नियम है उसको संशोधित करके नए नियम लागू करना चाहिए कि युवाओं को इससे फायदा मिले। सरकार हमेशा कहती तो है कि हम युवाओं को फायदा दिलाएंगे, लेकिन जब जिस कास्ट के आदमी को सर्टिफिकेट ही नहीं मिलेगा वो उसका आरक्षण से लाभ कैसे ले पाएगा? सरकार ने लाभ देने की बात तो करती, लेकिन SC ST वालों को कास्ट सर्टिफिकेट से वंचित रखकर उनका हक अधिकार छीनने का काम किया है। आप चाहते हो कि मध्य प्रदेश में ऐसे नियम लागू हो कि जो बच्चा जहाँ जन्मा हो वहाँ उसको अपना जाति प्रमाण बनाने में आसानी हो? मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय जिन्हें सबके मामा बने हुए हैं, वो SC ST वाले युवाओं बच्चों का भी दर्द समझे, वो उनके भी मामा है, तो उनको जाति प्रमाण पत्र से वंचित क्यों रख रहे हैं? आप उनको क्यों बाधा डाल दी आपने, जबकि सरकार ये निर्णय लेके इसको कर सकती है कि 1950 की कोई बाध्यता नहीं रहे। हम तो हमारे जो मध्य प्रदेश में आए उनका नहीं मांग रहे, लेकिन जो जन्मा है उनको तो दो, उनका अधिकार आप क्यों छीनना चाह रहे हो? आपकी आज बैठक थी, उसमें क्या निर्णय निकला? आज की बैठक में किसी कार्यक्रम से जा तो नहीं पाया, लेकिन तीन बिंदुओं पर गवर्नमेंट की एक 2015 में एक आदेश जारी हुआ था, उसमें यह लिखा गया था कि जो मूल निवासी जो मध्य प्रदेश में जन्मा है उसे अधिकार है कि वो जाति प्रमाण पत्र से वंचित ना हो, उसे सरलीकरण गवर्नमेंट ने किया गया था, लेकिन उसका आदेश अभी तक जारी SDMO को जिनको भी ये करना है उन तक नहीं पहुंच पाया। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। हमारे साथ खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।